दोस्तों, जहाँ ईंधन का नाम आता है तो सबसे पहले हमें कोयला ही याद आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोयला खनन करने वाली मिनी रत्न कंपनी के बारे में, जिसका नाम है NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे NCL में ड्रिल ऑपरेटर की ट्रेनिंग कैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, NCL में ड्रिल ऑपरेटर की ट्रेनिंग में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आफ्टर रिक्रूटमेंट कैसी ट्रेनिंग होगी, आप टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पर अभी 2020 की रिक्रूटमेंट में, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है NCL की सिंगरौली कोल माइंस में। दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको सारी जानकारी वाकई में आप क्या काम करने वाले हैं वहां पर एज अ ड्रिल ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब तक को, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक पहुंचते रहे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं कि पोस्टों के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर जो पोस्ट का नाम है ड्रिल ऑपरेटर प्रशिक्षक है, ठीक है। यहां पर टोटल पोस्ट 17 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 8 पोस्ट है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 2 के लिए 4 पोस्ट है, और OBC के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 17 पोस्ट आपको मिल रही हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, SSC या हाई स्कूल समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपने जान ही लिया है यहाँ पर, तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन। चलिए हम जानते हैं कि एज अ ड्रिल ऑपरेटर NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड में कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ड्रिल ऑपरेटर का कार्य क्या होता है। आगे हम सैलरी की भी बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, लूज कर दिया ना तो अभी खुल जाएगा। अभी रॉड छोड़ करके गया ऊपर लेने, ऊपर जा रहा है, अभी जा रहा है वो जो है ना दूसरा रॉड जोड़ेगा उसमें। ऊपर मैं गया था जिला, अगर सेंटर गड़बड़ हुआ ना तो फिर देगा तो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, ये भी बात। ट्रेनिंग की अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा बोला था आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, तो ट्रेनिंग की तो अवधि रहेगी आपकी वो 3 साल की अवधि रहेगी, ठीक है, जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी 1011.27 रुपीस दिए जाएंगे पर डे के हिसाब से, जिसमें आप इसका मतलब यह रहेगा कि आपकी जो महीने की तनख्वाह करीबन रहेगी ट्रेनिंग की वो रहेगी 30,000 करीबन होगी, और सक्सेसफुली ट्रेनिंग करने के होने के बाद आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो, अपने दोस्तों को फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और आपको क्या काम करना होगा एज अ ड्रिल ऑपरेटर NCL में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।